नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सब लोग? ये आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज है काम हम लोग यहाँ पे करने हैं, एसी लगाने हैं यहाँ पे। वो पीछे इसमें लगने हैं 4 एसी, और ये है उसको क्या बोलते हैं यार, जो फोर व्हीलर या बड़ी गाड़ियाँ जो भी हैं उन गाड़ियों के जो है स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। शायद फोर व्हीलर के लिए ही है, जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के वो सब इसकी ये शॉप बन रही है। बहुत बड़ी शॉप है ये, तो अभी आप आते हैं। और एक बात और बतानी है, भाई ने जो पूछा था कि मतलब मुझे कितना एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ भैया को मेरा कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कितने एक्सपीरियंस के बाद में मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी आप लोग को मतलब शायद आज एसी लगने, अभी पाइप हम लोग को डाले हैं, तो हो सकता है आज ही एसी लगे या पाइप डाल के हम लोग चले जाएंगे, कल एसी लगाएंगे। तो अभी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ कितने एसी लगने हैं, किस किस तरह से एसी लगने हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता लग जाए। उसके बाद में फिर जो है बताता हूँ मैं कितने एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ पर आया था। तो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो छोटा सा होगा। ये भैया इधर से आने का, और इधर ये कि एसी लगना यहाँ पे, इसका पानी का पाइप इसका हम लोगों ने सेट कर दिया। पाइप ऊपर से आएगा और अंदर से नहीं आएगा पाइप, उसको हम लोग इधर साइड से निकालेंगे पाइप, और उसके बाद में जो है नीचे अंदर जॉइंट लगाएंगे। सही है, तो इसी तरीके से सारे करने हैं। तो इधर 5 एसीयों का सिस्टम, लेकिन लगाने 4 एसी हैं। ये सीलिंग है ऊपर से, और सीलिंग और उसके बीच में ज़्यादा कुछ गैप है नहीं, तो ऐसा ही सिस्टम उसमें भी है। ये पानी का पाइप है, ठीक है, इसी के लेवल से एसी लगाना है। तो जब लगाएंगे तो आप लोग को इसमें दिखाएंगे भी कि किस तरीके से एसी लगाए। एक भाई ने जो बोला भी था कि कमेंट करके बताया था कि एसी जब लगाना तो बताना, तो उससे हम लोग को थोड़ा बहुत और जो है मतलब कॉन्फिडेंस आएगा किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो मैंने कहा चलो मुश्किल नहीं, जब भी लगाएंगे तो फिर दिखाएंगे। तो अगर आज लगाएंगे तो आज ही दिखाएंगे, ठीक है, वो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। अगर आज लगेंगे तो नहीं लगेंगे तो कल, फिर तो कल दिखाएंगे। एक ये है पानी का पाइप, इस तरीके से पहले से पड़ा हुआ है, तो 1 इंच नहीं है 3-4 है ये पाइप। उधर का जो भी है वो शायद एक इंच का है, ये 3-4 है, तो ये पड़ा हुआ है। और ये पाइप जो जाने हैं, पाइप इसी के सीलिंग से अंदर से ही ये मतलब ऊपर जॉइंट होंगे, उसके बाद में ऊपर सीलिंग के ऊपर जाएंगे इस तरफ सीधा। इधर एक होल है, यहाँ होल से जो है सारे पाइप निकाले जाएंगे चारों, ठीक है। और इस तरफ जो है ये होल है, इधर से निकलेगा, जैसे ही इधर से निकाल के जैसे ही ये वायर लगे हुए ना, इसी तरीके से हम लोग पाइप को भी लेके जाएंगे। ये क्लैंप इधर हम लोगों ने पहले से ही रेडी कर दिए हैं, ताकि जो है बाद में सिर्फ पाइप फंसाने पड़े। और इधर से ऐसे ही निकाल के इधर भी दीवार में होल होल नहीं करना कुछ भी, जैसे ये वायर निकले हुए हैं ऐसे ही हम लोग को एक एक पाइप निकाल देना है। सही है, 4 एसी को ज़्यादा नहीं है, तो आराम से निकल जाएंगे। और इधर जो है ये सारा, तो इसका जो है मैं रूम भी आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है किस तरीके से इसमें रूम दिए गए हैं, जो भी कंपनी है जिसकी जो भी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन एक कैंप है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का बना हुआ है। अंधेरा है इधर, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इस तरीके का ये रूम है। वाईफाई इधर लगा हुआ है, और ये कैंप का रूम जो है, कैंप के रूम जो है सारे इसी तरीके के हैं, ये देख लीजिए यहाँ। तो इस तरफ भी बने हुए हैं, ये देखिए। इधर ये सारा कुछ वॉशरूम वाला सिस्टम, किचन, बाकी इधर एक तरफ और, अभी ये सारा कुछ रेडी हुआ नहीं है, रेडी भी होगा, ठीक है। तो अभी मतलब काम चल रहा है धीरे धीरे। तो ये सारा विंडो एसी के लिए लगा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है अभी विंडो लगेंगे या पता नहीं क्या लगेगा। तो अभी तो हम लोग को सिर्फ नीचे का 4 एसी लगाना है, बाद में अगर कुछ होगा तो सही है, वो बाद में देखेंगे।
ये है इस तरीके का कुछ कैंप। और ये है किचन जो कि अभी यूज हो नहीं रहा, पुराना पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो अभी जब उधर वो चालू होगा तो शायद इसको भी चालू करेंगे। ऐसा इधर किचन बना हुआ है। तो चलो भैया, अब आप लोग को अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, क्योंकि जो है एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर आना ज़्यादा अच्छा होता है। और एक्सपीरियंस के बाद अगर बंदा यहाँ पे आता है तो उसको ठीक ठाक सैलरी और हर चीज़, मतलब काम में भी दिक्कत नहीं होती है, है? और उसके सैलरी भी जो है ठीक ठाक मिलती है अच्छी। तो मुझे जो जहाँ तक मेरी बात है भैया, मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक तो है ही नहीं, ऊपर से मैं कहता भी नहीं हूँ, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो है अभी पूरा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 या 4.5 साल का हो गया है, 4 से 4.5 साल तक का। लेकिन मुझे वैसे जहाँ तक मुझे लगता है वो 4 साल का ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि 3 साल तो मुझे यहाँ हो गए, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस ये हो गया यहाँ का, यूएई का 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद 1 साल मैंने जो है वहाँ इंडिया में काम किया था। 1 साल वो कैसे भाई, मैंने सीजन सिर्फ काम किए, 2 सीज़न काम किए थे, 1 सीज़न पहला और 1 सीज़न दूसरा, ठीक है। तो सर्दियों और दिनों में काम करने नहीं जाता था, तो मुझे अगर देखा जाए तो 1 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में है, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में होने के बाद मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी मेरा टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का, 4 साल का ही एक्सपीरियंस मेरे पास है भैया। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो 1 साल के बाद काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो ये यही है, और एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा, यार टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से अपनी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से मैं आया, और आप भी उसी तरीके से आ सकते हो, ठीक है। तो बस 1 दिन 2 दिन वेट करो, आप लोग को मैं ये वीडियो ज़रूर देने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैं आया था वैसे आप लोग भी आ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने जो है एजेंट से उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखा था, लेकिन मैं यहाँ पर आकर के 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस के होने के बाद भी मैं यहाँ पर आ गया और जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं आ सकते हो, बहुत सारे लोग मेरे पास जो है व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या फिर यूट्यूब में ही कमेंट करते हैं कि भैया मुझे लगभग 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं किस तरह से आऊँ, मुझे कुछ बताओ, ठीक है। तो मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, आने वाली वीडियो में, एक या दूसरी वीडियो में पक्का आप लोगों को मैं बताऊँगा कि भैया यहाँ पर आप लोग कैसे आ सकते हैं और किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मैंने सिर्फ यही बताया था कि भैया यहाँ पर काम भी होने वाला, मैंने सोचा चलो काम भी दिखा देता हूँ आपको। और भाई ने जो कमेंट किया था, मैंने कहा चलो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कितना है, फिर उसके बाद में आप लोग को बताऊँगा किसी दिन, ठीक है, कैसे यहाँ पर आओगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काम अभी ये सारा सामान हम लोग इधर पड़ा हुआ, सुबह आए थे हम लोग, थोड़ा सा ये वाला पाइप जो है थोड़ा सा तोड़ना पड़ा था इसका पानी के लेवल करने के लिए, बाकी दूसरा ओके थे सारे।